हेलो इंजीनियर्स, आज हम लोग सीखेंगे ऑडियो सिस्टम किस प्रकार से काम करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि पुराना मॉडल का ऑडियो सिस्टम जानकर क्या फायदा। एक्चुअली अगर पुराना मॉडल नहीं जानेंगे तो नया सिस्टम जानने का कोई फायदा नहीं है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से ओल्ड ऑडियो सिस्टम काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। जी दोस्तों, देखते रहे वीडियो। मैं गांति और शांति में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो ऑडियो सिस्टम आप देख रहे हैं, इस पर एक हेड लगा हुआ है और एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो हेड के माध्यम से एम्पलीफायर में इनपुट जाते हैं, तो जाने के बाद इसमें से आउटपुट होके स्पीकर पे होते हैं। तो जब भी ये कैसेट हम लोग घुमाते हैं तो इसका साउंड आ रहा है। देखिए किस तरह से ये साउंड कर रहे हैं स्पीकर पे। तो ये अच्छी तरह से ये काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सर्किट किस प्रकार से बनते हैं। तो पहले ज़माने का जो ऑडियो सिस्टम था वो हम लोग जानते हैं, जब भी इस पे कोई ऑडियो कैसेट डालेंगे और इसको प्ले करेंगे, ऑडियो कैसेट का ए साइड बजने लगता था। और जब भी कैसेट को खोल के ऑपोजिट साइड लगाते थे तो ऑपोजिट साइड से अलग से और एक गन बजने लगता था। लेकिन ऑडियो कैसेट के एक ही रील पर दो अलग अलग गन दो साइड पे किस प्रकार से बजता था, इसके लिए हम लोगों को जानना होगा कैसेट के रिबन के बारे में। तो रिबन देखिए, जब भी इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो ये जिस तरफ मूविंग करेगा ये भी मूविंग कर रहा है, मतलब इसके अंदर मैग्नेट रहता है। तो उस मैग्नेट को कैप्चर करते हैं हेड। ऑडियो के हेड जो होते हैं वो ज़्यादातर दो कनेक्शन होते हैं, एक तो होते राइट और एक तो होते लेफ्ट, और बॉडी जो होते हैं वो ग्राउंड होते हैं। और हेड के नीचे की तरफ दो साइड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ए साइड और बी साइड, मतलब बी साइड पे कोई कनेक्शन नहीं होता, ए साइड पे होते हैं मेन कनेक्शन। हेड के अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, दो टर्मिनल पे दो कॉयल रहते हैं और इस कॉयल के माध्यम से जो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कैच करता है ये। और अगर ऑडियो कैसेट की बात करें तो इसके जो रिबन है इस रिबन पे दो साइड रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ए साइड और बी साइड, मतलब इसके मीडियल पे एक गैप रहता है, एक तरफ होते हैं ए साइड और दूसरी तरफ होते हैं बी साइड। और अगर इसके अंदर बोलेंगे तो म्यूजिक मैग्नेट के जरिए अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जेनरेट रहता है। ए साइड पे एक फ्रीक्वेंसी रहता है और बी साइड पे अलग और एक फ्रीक्वेंसी रहता है, मतलब और एक गाना का फ्रीक्वेंसी रहता है। तो अभी चलिए इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली बनाते हैं।